दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ हमारे ड्राइवर भाइयों के सवाल थे, तो उनका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। जो सवाल थे, हो सकता है कि आपके भी काम के हों, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने भी कोई सवाल किया था, जब भी आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो सवाल क्या थे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कोई इंट्रो विंट्रो में नहीं लेने वाला हूँ। और देखो, ये एक पहला जो सवाल है ये था, जयपुर की आईडी दिल्ली में काम करेगी या नहीं। तो मैं आपको बता दूँ कि देखो, जयपुर की आईडी हो या कहीं और की आईडी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिल्ली में काम कर सकते हो, उस आईडी से अवश्य काम करेगी। लेकिन दिल्ली में आने के बाद आपको ट्रांसफ़र जब कराएंगे, तो आपको दिल्ली में रेंट एग्रीमेंट, जो लोकल रेंट एग्रीमेंट होता है, वो बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप कहीं से बनवा सकते हैं। किसी के पास रहने जाएंगे तो वहाँ से आप रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। 100-150 रुपये करीब लग जाते हैं कोर्ट से या तहसील से, कहीं से भी आप बनवा के लगा देंगे तो आपकी आईडी जो है दिल्ली में काम करने लग जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो सवाल था ये लिखा था, क्या किसी अदर स्टेट में जाकर ओला उबर ज्वाइन कर सकते हैं क्या। तो बिल्कुल सेम आपका भी सवाल यही है, जैसे ये भाई ने पूछा जयपुर की आईडी दिल्ली में काम करेगी या नहीं कही, तो इस तरीके का ही सवाल आपका है। आप किसी अदर स्टेट में जाके गाड़ी चला सकते हैं। आपको भी वहाँ पर जाने के बाद एक लोकल रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, और आईडी बनवाने के लिए आपको पता ही है, एक आधार कार्ड और एक लाइसेंस आपका चाहिए। बस ड्राइवर आईडी बन जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पर भी गाड़ी चला पाएंगे। और दोस्तों, नेक्स्ट जो सवाल है इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये लिखा है, एक कार को ओला उबर दोनों में लगा सकते हैं क्या, जिससे कि काम अगर ओला में नहीं आए तो उबर में आए। तो देखो, मैं आपको बताऊं, एक कार को आप ओला उबर, तो क्या अदरवाइज और भी ऐप बेस्ड कितनी भी कंपनियां हो, सब में लगा सकते हो। मैं इस बात को कई बार बता चुका हूं कि एक गाड़ी को आप कितनी भी कंपनियों में अटैच कर सकते हैं। तो आप बेझिझक हो जाइए इस बात से कि आपकी गाड़ी एक ही कंपनी में चलेगी, नहीं, आप जो कितनी भी कंपनियों में अपनी गाड़ी को लगा सकते हैं, चाहे ओला हो, चाहे उबर हो, चाहे विंडी कैब हो, चाहे वाव टैक्सी हो, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, आप जो है अपनी गाड़ी लगा सकते हैं, कितनी भी कंपनी में लगा सकते हैं। गाड़ी के मालिक आप हैं, कंपनी नहीं। ठीक है, तो आप बेझिझक हो जाइए और कितनी भी कंपनी में अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। और नेक्स्ट जो सवाल है ये लिखा था कि भाई, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, हम पहली बार कार लगा रहे हैं। इनका मतलब जो है कि जो ऐप बेस्ड कंपनियां होती हैं, जैसे ओला उबर या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, इनमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं गाड़ी के ओनर के और ड्राइवर के, तो हम पहली बार लगा रहे हैं तो हमें नहीं पता है। तो देखो, मैं बताऊं, पहली बात, गाड़ी कॉमर्शियल नंबर होनी चाहिए। गाड़ी कॉमर्शियल नंबर होने के साथ साथ उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मैं एक ही बात में क्लियर कर देता हूँ, गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए क्लियर, पूरे कंप्लीट, कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। साथ ही गाड़ी ओनर का आधार कार्ड और पैन कार्ड, और साथ ही एक कैंसिल चेक या पासबुक की फ़ोटोकॉपी वहाँ पे लग जाएगी। पासबुक की फ़ोटोकॉपी या कैंसिल चेक इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो ऑनलाइन मनी जाती है ना, तो उसका जो पैसा होता है फिर उसके आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस वजह से आपका या तो कैंसिल चेक लगता है वहाँ पर, या पासबुक की फ़ोटोकॉपी लग जाती है। तो आप बेझिझक होकर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और बात करें ड्राइवर, तो ड्राइवर के लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि ड्राइवर के लिए आपको एक आधार कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उससे आपकी जो ड्राइवर की आईडी बन जाएगी। अगर आपका ड्राइवर किसी अदर स्टेट का है, तो आपको वहाँ पर लोकल रेंट एग्रीमेंट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस यही थे हमारे जो सवाल थे, बस यही इस वीडियो में शामिल किए थे हमने, क्योंकि बस इसमें क्या था कि गाड़ी लगाने के लिए ही चर्चा की गई थी कि गाड़ी में डॉक्यूमेंट्स कैसे लगेंगे, अदर स्टेट में कैसे लगेगी गाड़ी, और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, इस तरीके के सवाल थे। तो हमने जो है ये सारे सवाल एक ही वीडियो में ले लिए थे, क्योंकि दोस्तों के अलग अलग हो जाते हैं ना सवाल, तो फिर दिक्कत आती है, उसमें नहीं समझ में आता सब लोगों के। तो अगर आपको और भी अगर वीडियो देखते हो हमारी, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि दोस्तों टैक्सी लाइन से जुड़ी आपको पता ही है, हम हर रोज़ एक नई वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना। अगर आपका कोई और सवाल है तो हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और हमारा जो मोबाइल नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।